सबसे पहले क्लॉक के बेस को प्रेप करने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर पेंट। मैंने मैरिज का कोई भी आप एक्रेलिक पेंट या कोई भी पेंट ले लें, ये मैंने आइवरी वाइट लिया, आप वाइट पेंट भी ले सकते हैं, वाइट बेस ही बनानी है तो उसके लिए मैंने पेंट लिया, MDF की शीट ली है। ये क्लॉक की बेस होती है, आपको आराम से दराज से या ऑनलाइन पेजेस से मिल जाती है। आपने पेंट लेना है और इसको अच्छे से पूरी बेस को इस पर स्प्रेड करना है ताकि ये एक बार सारा वाइट हो जाए और यहाँ पे रेजन जो है वुड के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले वुड के अंदर एब्जॉर्ब ना हो बल्कि यहाँ ऊपर टॉप पे रहे। और जैसे कि क्लॉक का कलर वाइट में मैंने बनाना है तो वाइट इसकी वजह से मैं जैसे कि क्लॉक का कलर वाइट होगा उसके लिए मुझे बेस को भी वाइट ही करना पड़ेगा ताकि सेम एक जैसा कलर आए, नहीं तो नीचे ब्राउन है जैसे वुड का कलर तो क्लॉक जो है वो थोड़ा सा ब्राउन का शेड भी देना स्टार्ट कर देगा। मैंने ये बेस प्रेप कर लिया, इसको मैंने अच्छे से पहले ड्राई किया, ये ड्राई हो गया, इसके ऊपर हम रिजन वर्क करेंगे। रिजन वर्क करने के लिए मैं आप लोगों को क्वांटिटीज़ भी समझा दूँगी, एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग वो देख लेगा। और बाकी ये इसके ऊपर हमने जो डिज़ाइन बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला डिज़ाइन है जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने वाइट माइका और गोल्डन फ्लोटिंग यूज़ किया है, हम भी यही दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको इसका बना के दिखाती हूँ। ये ऑलमोस्ट 16 इंचेस की बेस है, हमारे पास 16 इंचेस का क्लॉक है तो इसके लिए अब हम लोग रेजिन बनाते हैं केमिकल। क्लॉक बनाने के लिए बेस बनाने के लिए मुझे वाइट माइका का कलर बनाना है। इसके लिए जो बेस थी जैसे आपने डिज़ाइन में देखा था, इसके लिए मैं इसमें ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स रेजिन डालूंगी। इस कप का अंदाज़ा है मुझे कि इसमें ऑलमोस्ट 150 आ जाता है पूरा, ठीक है। 150 ग्राम्स इसमें रेजिन डाली और इसके बाद इसमें माइका ऐड करते हैं, वाइट माइका पाउडर। इसमें ऑलमोस्ट मैं इस तरह से स्पून भर के माइका ऐड करूँगी, ठीक है। पूरा स्पून भर के मैंने ऐड किया इसमें माइका। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स किए जाएंगे। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी खुद से कलर की थिक रखी थी ताकि नीचे जो बेस का कलर है वो थोड़ा सा ऑफ वाइट और उस टाइप का थोड़ा सा बन जाए, मैंने खुद से इसको थिक रखा था। ये जिस तरह से इसमें मिक्स हो गया अच्छे से, इसके लिए अब जो दूसरा कलर है वो हमने फ्लोटिंग में बनाना था, गोल्डन फ्लोटिंग में, तो मैं आप लोगों को वो भी डाल के दिखाती हूँ। आप जब भी बनाना है गोल्डन फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, लाइक नॉर्मल क्वांटिटी में ही बनाना है क्योंकि बाकी वेस्ट हो जाता है, इतना काफ़ी होगा। इसमें गोल्डन फ्लोटिंग में ऑलमोस्ट एक स्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोल्डन फ्लोटिंग का, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, ये भी हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसके ऊपर लेयरिंग करते हैं, किस तरह से करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। रेजिन में जब भी काम करें कोशिश करें पुराने कपड़े पहने, मैं आपको इस पर डालकर दिखाती हूँ। पहले हम इसमें माइका ऐड करेंगे, ये वाली लेयर कलर की ऐड करेंगे सारी। आप इसके होल को स्ट्रॉ वगैरह रख के बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो। करके बिगनर्स के लिए बेस्ट रहता है कि आप इसमें स्ट्रॉ वगैरह रख के या कुछ चीज़ रख के इसको बंद कर दें। अब मैं इसको सारा स्प्रेड आउट करती हूँ, इसको इस तरह से अच्छे से बना। एग्जैक्ट मेरी जो क्वांटिटी थी उसी में सारा क्लॉक की बेस बन गई है। अब हम लोग इसके ऊपर फ्लोटिंग ऐड करेंगे, एडजस्ट तक अच्छे से मैंने इसको कर दिया, मेरी फिलहाल एडजस्ट से मेरे तो नहीं ड्रिप कर रहा। गर्मी में जो होता है रेजिन का काम जब हम करते हैं तो गर्मी में बहुत जल्दी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो आपने रेजिन का जब भी यहाँ पे काम करना है तो जल्दी जल्दी हर चीज़ को कंप्लीट और कवर अप करना है ताकि वो केमिकल गर्म ना हो जाए, फिर वेस्ट हो जाता है केमिकल। इसके बाद मैं इसमें फ्लोटिंग ऐड करूँगी,
ठीक हो गया, इतना काफ़ी है। अब इसको हम हीट गन करेंगे। हीट गन में आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से करनी है। ठीक हो गया, अब हम इस पर हीट गन करेंगे अच्छे से। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, इसको मैं 24 आवर्स के लिए ड्राई करके रखूँगी, फिर हम इसमें क्लॉक के नंबर्स लगाएंगे। क्लॉक में जो आपने नंबर्स हैं वो थोड़े से एज से अंदर की तरफ लगाने हैं, यहाँ से नॉर्मल आहिस्ता से एजेस के अंदर की तरफ लगाने हैं, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में भी कुछ इसी तरह से एजेस हैं। ये देखें, इस तरह से लगाने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लॉक पे करेंगे। एक तरफ मैंने इसको स्टोन्स लगा दिए, दूसरी तरफ मैं आपको लगाना सिखाती हूँ आपने किस तरह से करना है। इस वाले को हम आज ही टॉप आउट कर देंगे, दूसरे वाले की मैंने नहीं की थी अभी। इसको मैं यहाँ पे मैंने जहाँ तक लगाया है स्टोन्स वहाँ तक पहले मैं रेजिन को पोर कर रही हूँ, ताकि ये यहाँ तक स्टोन्स अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक रेजिन को पोर कर दिया। अब मैं इस पर क्रिस्टल्स लगाई है, ठीक है, सेल पर। इस तरह से कलर क्रिस्टल्स लगाएंगे अच्छे से, इस तरह से। अभी हमारे स्टोन्स लग गए, अब इसको टॉप आउट करेंगे अच्छे से। हम लोग इस तरह से पूरा इसको स्प्रेड आउट करते हैं, हम अच्छे से इस तरह से स्प्रेड करेंगे। इसको हम अच्छे से स्प्रेड करते हैं ये इस तरह से। रिजन पोर करेंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग इसको फ्लेम टॉर्च या हीट गन से इसके सारे बबल्स को निकाल देंगे टॉप कोट से, मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ अभी। और फिर ये कल तक हमारा ये सारा ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसको पेंट वगैरह करेंगे, इसको नीट करके फिनिशिंग करके। इस तरह से इसको अच्छे से मैंने सारा लगा दिया, इसके साथ सब स्टोन्स बैठ जाएंगे। क्लॉक मेरा ड्राई हो गया है, क्लॉक के लिए जो मैंने एजेस के लिए पेंट बनाया है इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी जल्दी। ये पेंट मैंने खुद बनाया है, इसका बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं।
आपको इसकी एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने सारी इसकी एप्लीकेशन करनी है। ये वही है जो मैंने आपको वीडियो में बनाना सिखाया। अभी इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग वो देख लें। इस तरह से हम सारे इसकी एप्लीकेशन करेंगे जो मैंने लिक्विड बनाया था इसकी। इस तरह से ये क्लॉक हमारा पूरा ड्राई हो गया कम्प्लीटली, और ये सारा का सारा इस तरह से इसका फ्रेश गोल्डन पेंट आ रहा है। ये सारा कम्प्लीटली ड्राई हो गया। अब क्लॉक के हैंड्स को हमने फिक्स करना है। क्लॉक के हैंड्स फिक्स करने के लिए हमारे पास थ्री होती है निडल्स, ये होती है आर्ट्स वाली, ये मिनट्स वाली और ये सेकेंड्स वाली। सबसे पहले हम आर्ट्स वाली लगाते हैं क्योंकि आर्ट्स वाली का सर्कल थोड़ा बड़ा है। इसको हम इस तरह से करके लगाएंगे, इस तरह से। उसके बाद हम लगाते हैं मिनट्स वाली को, ठीक है। उसके बाद मिनट्स वाले को इस तरह से करके फिक्स करेंगे, इसको आप सेट कर लेगा। और उसके बाद हम लोग लगाते हैं सेकेंड्स वाली को इस तरह से, इस तरह से, और इसको सेट कर देते हैं। ये हमारी हैंड्स लग गए। अब हमारा क्लॉक यहाँ पे रेडी हो गया। इस तरह का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। वीडियोस इस तरह के अपलोड करो जिससे आप लोग चीज़ें बनाना सीख सकें।